द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑलवेज लव, अर्थात किसी भी डिश को सुपर से ऊपर बनाने के लिए जो मैजिक इंग्रेडिएंट है वो है लव, जिसे हम प्यार से लव भी कहते हैं। और ये जो लव है ना, ऐसे ऐसे काम कराते हैं जो नॉर्मली आप नहीं करते। और आज प्यार मोहब्बत में मैं आपको सब्जियां खिलाऊंगा, स्पेसिफिकली चकुंदर, बीटरूट, उसका एक बढ़िया कटलेट बनेगा विच विल बी माउथ वॉटरिंग टेस्टी एंड इट्स वेरी सिंपल टू डू। चलिए शुरू करते हैं बीटरूट कटलेट। हमारी आज की जो रेसिपी है वो एक बंगाली रेसिपी है और दुर्गा पूजो जो होता है उस दौरान जब घर पर लोग आते हैं आप उनको ये सर्व कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी सुपर यमी। देखिए, ये डिश बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना है एक सिंपल सा गरम मसाला। और गरम मसाला पीसने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बजाज स्प्लेंडोरा मिक्सर ग्राइंडर। बजाज स्प्लेंडोरा मिक्सर ग्राइंडर टफ से टफ इंग्रेडिएंट बहुत ही आसानी से पीस देता है। और ये तैयार, हमारा गरम मसाला तैयार। देखिए, ये है चुकंदर जो मैंने बॉईल किया हुआ है और उसे छीला हुआ है। ये जाएगा मिक्सर ग्राइंडर में। जो चुकंदर है उसके अंदर होता है बीटा कैरोटीन, मतलब सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए बीटरूट को अपने डाइट में इस्तेमाल करना इज वेरी वेरी वाइज। ऑलराइट, लेट्स ग्राइंड दिस विदाउट एनी वाटर। ये तैयार, लुक एट दैट, क्या बढ़िया गाढ़ा रंग आया इसका। अरे, स्पिल हो गया। नाउ ये तो घर घर की कहानी है, स्पिल सबसे होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर से वो स्टेन वापस नहीं जाता, लेकिन बजाज स्प्लेंडोरा मिक्सर ग्राइंडर आता है एंटी स्टेन कोटिंग के साथ, विच मीन्स हल्दी का दाग हो, चकुंदर का दाग हो या कोई भी टफ से टफ स्टेन हो, आराम से साफ हो जाता है। चलिए अब इस चकुंदर को हम पकाते हैं। आपकी फेवरेट बंगाली डिश दुर्गा पूजा के वक्त क्या है, कमेंट्स में बताइए। नाउ द आइडिया इज कि इस बीटरूट की प्यूरी को हम अच्छे से पकाएं सो दैट कि रिड्यूस हो जाए। तो जब इसकी कटलेट बनेगी ना, तो इसके अंदर मॉइस्चर जितना कम होगा वो उतनी आसानी से सिक जाएगी। वाह, लुक एट दिस नाइस थिक प्यूरी, काफ़ी थिक हो गई है। इसे करेंगे बंद, इसे करते कंप्लीटली ठंडा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे पास है ये बॉइल्ड एंड ग्रेटेड पोटैटो, ये जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर जान डालने की बारी है। जान सबसे पहले आएगी थोड़े नमक से, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी हीट के लिए अदरक बारीक कटी हुई, क्योंकि अदरक शार्प होती है, अगर आपने मोटी काटी मुंह में आएगी इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट। ये है रोस्टेड एंड क्रश्ड पीनट्स, एक अच्छा नटी फ्लेवर देता है। इसमें जाएगा भुना हुआ जीरा, हरा धनिया, इसमें मैं डाल रहा हूँ कच्चा सरसों का तेल, ज़रा सा शार्पनेस देता है, और थोड़ी सी कासुंदी जो बंगाली मस्टर्ड पेस्ट होती है ना। ऑल वी नीड टू डू इज मिक्स देम अप। सो ये बीटरूट का जो लाइट स्वीट फ्लेवर है मस्टर्ड के साथ मिलके, वो नटी पीनट्स के साथ मिलके बहुत ही बढ़िया फ्लेवर प्रोफाइल देगा और ये बनेगा हमारा कटलेट का बेस। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ ब्रेड क्रम्स, ये ड्राइड ब्रेड क्रम्स हैं, आप चाहें तो फ्रेश ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। नाउ नाइसली मिक्स दिस। इसमें हम डालेंगे हमारा ये गरम मसाला। वाह, ट्रस्ट मी, शुरुआत में मैंने बोला था ना प्यार प्यार में सब्जी खिलाऊंगा, ये कबाब या ये कटलेट इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। ये तैयार है, आलू अच्छे से मैश हो गया, अब इसके बनेंगे कटलेट। यू प्रेस इट अ लिटिल, नाइस एंड फर्म, ये जाएगा ब्रेड क्रम्स में, जस्ट जेंटली प्रेस, शेक ऑफ द एक्सेस। ये तैयार,
यहाँ से चीज़ें बहुत सिंपल हैं, तवा गर्म हो रहा है, उस पर जाएगा ऑयल, आप चाहें तो घी में भी इसे पका सकते हैं ना। हम डालेंगे हमारा बीटरूट कटलेट। ये बीटरूट कटलेट मैं पका रहा हूँ बजाज ग्लास टॉप गैस स्टोव पर। ये डिज़ाइनर गैस स्टोव आता है प्रीमियम मिरर फिनिश के साथ, और इसके फ्रेम के ऊपर है एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल कोटिंग जो आपकी किचन को हाइजीनिक रखती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किचन में पंखा चला देते हैं या फिर खिड़की से तेज़ हवा आती है, जो गैस रेंज होती है उसकी लॉ जो है वो इधर उधर नाचती है, विच मीन्स अनइवन कुकिंग होती है और गैस की भी वेस्टेज होती है। तभी हमारी ये जो रेंज है इसका जो पैन सपोर्ट है वो आता है फ्लेम गार्ड के साथ, ताकि आपको ऐसी कोई तकलीफ ना हो, मतलब बचत ही बचत एंड इवन कुकिंग ऑफ फूड। ऑलराइट, ये तैयार है। यम, चलिए इसे प्लेट करते हैं। हमारे बीटरूट कटलेट टैन। साथ ही आप सबको मेरी और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।